वेलकम टू स्मार्ट किड्स, सब्सक्राइब माय चैनल। हेलो डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू लर्न लेसन नंबर 19 इन इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट बुक इन क्लास 3। चिल्ड्रन, आवर लेसन इज अ स्किट। स्किट हम किसको बोलते हैं? हम एक ड्रामे को बोलते हैं जो हमारे स्कूल में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, बहुत सारे बेस पे ड्रामा किया जाता है। जैसे फेरी का स्किट रखा जाता है, इसको हम कैसा बोलते हैं? एक नाटक बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर प्ले करते हैं। जैसे आप कोई प्रोग्राम, कोई शो देखते होंगे, तो उसमें भी बच्चों एक्टिंग होती है। उसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं, मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, मैन वुमेन, गर्ल्स एंड गर्ल और बॉय, और बहुत सारे दादा दादी, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अलग अलग कैरेक्टर दिया जाता है कि आप ये रोल प्ले कर रहे हो। जैसे अगर हमने अलादीन और जैस्मिन की स्टोरी देखी होगी, और आपने कौन सी स्टोरी देखी होगी, और कौन सा शो देखा होगा, अब मैजिशियन शो देखते होंगे, तो देखो उसमें भी एक स्किट का प्ले किया होता है। वो उसको हम हिंदी में ड्रामा भी बोलते हैं, और कैसा एक्टिंग शो हम क्रिएट करते हैं जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, वो अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर रोल प्ले करते हैं। जैसे आपने किसी किंग की स्टोरी देखी होगी, कोई रामायण की स्टोरी देखी होगी, महाभारत की स्टोरी देखी होगी। देखो स्किट एक ड्रामा है, इसको हम ड्रामा बोलते हैं। इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, मैन भी होते हैं, वुमेन भी होते हैं, गर्ल भी होते हैं, बॉय भी होते हैं, और वो ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, जिनको हम डिफरेंट कैरेक्टर देते हैं और वो अपना रोल प्ले करते हैं। तो आज हम ऐसा स्किट पढ़ने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने, उन्होंने क्या रोल किया है, बहुत सारे स्टूडेंट ने डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर का रोल किया है और उन्होंने ये स्किट प्ले किया है। देखो बच्चों, हमारे स्कूल में भी स्किट कॉम्पिटिशन होता है, स्किट जिसमें बहुत सारे किसी बेस पर बनाते हैं और उस पर हम स्किट का रोल करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट को हम सिलेक्ट करते हैं और उसको हम रोल देते हैं प्ले करने के लिए। जैसे हम किसी बर्थडे पार्टी का हमें स्किट बनाना होता है, और हम ऐसा स्किट बनाना होता है, डिफरेंट कैरेक्टर्स की ऐसी स्टोरी बनानी होती है। जैसे लायन एंड द माउस की स्टोरी हमें बनानी होती है, थस्टी क्रो, तो हमें ऐसे कैरेक्टर को, ऐसे लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो वो कैरेक्टर पर फिट हो सके। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन स्किट। स्टूडेंट वन अभी बना, क्या बना हुआ हम देखेंगे। हेलो, हु आर यू? स्टूडेंट वन हम देख सकते हो, वो क्या बोल रहा है, हु आर यू? स्टूडेंट टू, आई एम अ डियर, आई लीप जंप एंड रन, सी लीप अबाउट। अभी स्टूडेंट वन क्या बना है, स्टूडेंट वन आप देख सकते हो, स्टूडेंट वन ने कौन सा कैरेक्टर प्ले किया है बच्चों, हंटर का, जिसको हम शिकारी बोलते हैं। हंटर किसको बोलते हैं, हम शिकारी को, जो जंगलों में जाता है और एनिमल्स को किल करता है, एनिमल्स को मारता है, एनिमल्स को मारता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वी कॉल हंटर, जो शिकार करता है एनिमल्स का, और बर्ड्स का भी, एनिमल्स का भी करता है, जानवरों का भी करता है, और परिंदों का भी करता है। तो स्टूडेंट वन ने हंटर का रोल प्ले किया है, और स्टूडेंट टू किसका रोल प्ले किया है बच्चों, डियर का रोल प्ले किया। तो स्टूडेंट टू क्या बोल रहा है, मैं डियर हूँ और मैं जंपिंग करता हूँ और दौड़ता हूँ। डियर इज़ अ वाइल्ड एनिमल। डियर कौन सा बच्चों, एक वाइल्ड एनिमल है जो जंगलों में रहता है और रनिंग भी करता है। तो स्टूडेंट वन ने पूछा स्टूडेंट टू को, अभी हम देखेंगे। स्टूडेंट वन, आई एम अ हंटर, आई हंट डियर। स्टूडेंट टू, रन्स अवे। अभी स्टूडेंट वन क्या बोल रहा है, जो नंबर वन पे क्या है बच्चों, स्टूडेंट टू, वन हंटर बना है, नंबर टू पे स्टूडेंट टू है, वो क्या बना है बच्चों, वो डियर बना है। तो वो स्टूडेंट वन पहले स्टूडेंट टू को पूछता है, हंटर पूछता है आप कौन हो, तो स्टूडेंट टू क्या बोलता है, मैं डियर हूँ, मैं जंपिंग भी करता हूँ और रनिंग भी करता हूँ। तो स्टूडेंट वन हंसने लगता है, तुम रनिंग और जंपिंग करते हो, मैं तो हंटर हूँ, मैं एनिमल्स को हंट करता हूँ, किल करता हूँ, बर्ड्स को किल करता हूँ, मैं शिकारी करता हूँ, मैं तुम्हें भी किल कर दूंगा, तुम्हें हंट कर दूंगा, मतलब मैं तुम्हारा शिकार करूँगा। तो स्टूडेंट टू ये सुन के जो भागने लगता है, ही स्टार्टेड रनिंग। आप देख सकते हो इस रनिंग, स्टूडेंट टू है जो वो बना है, स्टूडेंट टू क्या बना है बच्चों, डियर बना है। तो जब वैसे सुनता है, वैसे लिसन की, नाउ स्टूडेंट वन,
स्टूडेंट वन जो हंटर बना है वो उसे किल कर देगा, क्योंकि वो स्टूडेंट टू डियर है और स्टूडेंट वन हंटर है। ये सुनते ही स्टूडेंट टू स्टार्टेड रनिंग अवे। ना हियर यू कैन सी ना विल गो अहेड। अभी हम आगे बढ़ेंगे, आगे क्या होता है। स्टूडेंट वन, हेलो हु आर यू। स्टूडेंट वन जो कि हमने देखा, स्टूडेंट वन कौन है बच्चों, हंटर है। फिर उसको पूछता है दूसरे कैरेक्टर, दूसरे स्टूडेंट को पूछता है तुम क्या बने हो। स्टूडेंट थ्री, आई एम अ लायन, आई रोर टू मेक योर हार्ट ट्रेम्बल। रोर, हु आर यू। अभी स्टूडेंट थ्री बच्चों क्या बना है, स्टूडेंट थ्री इज बिकम लायन। लायन इज अ वाइल्ड एनिमल। हाउ लायन रोर, रोर 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 इन द जंगल। स्टूडेंट थ्री लायन बना है, लायन तो वाइल्ड एनिमल है, वो जंगलों में रहता है। कैसी आवाज़ निकालता है बच्चों, रोर रोर रोर, ऐसी लायन, ऐसी लायन आवाज़ निकालता है। फिर स्टूडेंट वन क्या बोलता है, मैं तो हंटर हूँ, मैं तो लायंस के, मैं तो एनिमल्स को भी हंट करता हूँ, बर्ड्स को भी करता हूँ, मैं लायन को भी, लायन का भी शिकार, लायन को भी मैं हंट करूँगा, मैं उसकी भी शिकारी करूँगा। तो ये स्टूडेंट थ्री क्या बोलता है, रनस अवे। ये सुनते ही स्टूडेंट थ्री क्या होता है बच्चों, भागने लगता है। आप देख सकते हो कैसे भाग रहा है। अभी जो हंटर है, आपने देखा हंटर तो सबका शिकारी, सबकी हंटिंग करता है, सबकी शिकारी करता है, बर्ड्स को भी किल करता है और एनिमल्स को भी किल करता है। तो ये सुनते ही जब उसने बोला कि मैं हंटर हूँ, मैं एनिमल्स को हंट करता हूँ, मैं डियर को भी हंट कर दूंगा। स्टूडेंट थ्री आपने देखा बच्चों वो लायन बना, लायन वो लायन को भी बोलता है मैं तुम्हें भी हंट करूँ, मैं तुमको भी शिकार कर दूंगा, मैं तुम्हें भी मारूंगा, तुम्हें भी किल कर दूंगा, मैं एनिमल्स की हंटिंग करता हूँ, एनिमल्स की शिकारी करता हूँ। स्टूडेंट वन, हेलो हु आर यू। अभी जो हंटर स्टूडेंट वन जो हंटर बना है वो स्टूडेंट फोर को पूछता है। आप देख सकते हो स्टूडेंट वन और स्टूडेंट वन ने क्या बना है बच्चों, हंटर बना है, और स्टूडेंट टू क्या बना है बच्चों, डियर बना है, और स्टूडेंट थ्री आप देख सकते हो बच्चों क्या बना है, वो लायन बना है। हाँ, और फिर स्टूडेंट, अभी आप देख सकते हो स्टूडेंट फोर क्या बना है बच्चों, टाइगर बना है। अभी स्टूडेंट वन जो हंटर है वो उसको पूछता है स्टूडेंट फोर को। स्टूडेंट फोर, आई एम अ टाइगर, आई प्रोल अबाउट इन द जंगल। प्रोल्स अबाउट मतलब मैं जंगलों के बीच, जंगलों में ही घूमते रहता हूँ और घूमते रहता हूँ और एनिमल्स को मार के खाता हूँ। हु आर यू। अभी भी जो टाइगर है, जो स्टूडेंट फोर है, वो ऐसे बोलता है मैं टाइगर हूँ, आई प्रोल अबाउट इन दिस जंगल, हु आर यू। स्टूडेंट वन क्या बोलता है, आई एम अ हंटर, आई हंट टाइगर, मैं एक शिकारी हूँ और मैं एनिमल्स और बर्ड्स की हंटिंग करता हूँ, मैं शिकार, मैं टाइगर की भी शिकारी, टाइगर को भी शिकार करूँगा। स्टूडेंट फोर रनस अवे। ये सुनते ही स्टूडेंट फोर रनिंग करने लगता है, स्टार्टेड रनिंग अवे, मतलब वो भागने लगता है कि अरे शिकारी, अभी एक शिकार आया है, हंटर आया है, वो हम सबकी शिकारी कर देगा। आपने बच्चों यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कितने सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर को प्ले किया है। ये हम एक ड्रामाटाइज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं बच्चों, एक ड्रामाटाइज कर रहे हैं, जिसका हमारे शो का नाम क्या, स्किट। जैसे हमारे स्कूलों में ये स्किट रखा जाता है और बहुत सारी डिफरेंट स्टोरी होती है, जैसे अलादीन जैस्मिन की होती है, और कौन सी स्टोरी होती है, और बहुत से ऐसे बहुत सी स्टोरी होती है, और लायन द माउस की होती है, और ऐसे बहुत से मतलब ऐसे टाइटल दिए जाते हैं, फेरी की होती है, फेरी एंड द एंड अ वर्क एंड अ ऊट कटर। जैसे बहुत सारी स्टोरी पे बेस पे हम एक कैरेक्टर, एक शो को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर देते हैं प्ले करने के लिए। तो इसमें देखा आपने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट रोल किया है। स्टूडेंट वन को आप देख सकते हो वो एक हंटर बना है, हंटर आपको पता होगा, वो हंटर तो सबकी शिकारी करता है, एनिमल्स की भी करता है, बर्ड्स की भी करता है। वो किसको पूछता है, स्टूडेंट टू को, तुम क्या बने हो, तुम कौन हो। तो स्टूडेंट टू क्या बोलता है, मैं डियर हूँ और मैं जंपिंग और रनिंग करता हूँ। जब वो बोलता है, जब वो सुनता है कि अरे आप हंटर हो, तो ये सुनते ही स्टूडेंट टू जो डियर बना है स्टार्टेड रनिंग, वो भागने लगता है। फिर स्टूडेंट थ्री इसको मिलता है ऑन द वे में, रास्ते में स्टूडेंट थ्री जो लायन बना है, लायन तो आपको पता है वो जंगलों में रहता है और रोरिंग रोर करता है, ऐसी
वैसे ही बोलते स्कैरी आवाज निकालता है। तो हंटर क्या बोलता है, मैं तो लायन को भी हंट करूंगा, मैं तो लायन की भी शिकारी करूंगा। फिर उसको ऑन द वे में कौन मिलता है बच्चों, टाइगर। स्टूडेंट 4 है जो, स्टूडेंट 4 बच्चों टाइगर बना है। तो उसको स्टूडेंट 1 जो हंटर है उसको पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो बोलता है मैं टाइगर हूँ और मैं जंगलों में रहता हूँ, जंगलों में एनिमल्स को किल करके खाता हूँ। फिर ये सुनते ही जब वो बोलता है अरे स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 4 किसको पूछता है, स्टूडेंट 1 को, तुम कौन हो, हु आर यू। तो स्टूडेंट 1 क्या बोलता है, मैं हंटर हूँ, मैं शिकारी हूँ, मैं एनिमल्स की हंटिंग करता हूँ, एनिमल्स को शिकार करता हूँ, एनिमल्स को मारता हूँ। तो ये सुनते ही जो टाइगर है, स्टूडेंट 4 टाइगर है, ही स्टार्टेड रनिंग। अभी हम देखेंगे आगे इस ड्रामे स्किट में क्या होता है। लास्ट स्टूडेंट, अभी लास्ट स्टूडेंट ने कौन सा कैरेक्टर प्ले किया है हम देखेंगे। लास्ट स्टूडेंट ने कौन सा कैरेक्टर प्ले किया है, विल सी डैट नाउ। लास्ट स्टूडेंट, हेलो हु आर यू। लास्ट स्टूडेंट क्या बना है बच्चों, एक फॉरेस्ट गार्ड बना है। आप देख सकते हो फॉरेस्ट गार्ड का पिक्चर, ये हंटर है और ये कौन है बच्चों, फॉरेस्ट गार्ड है, जो जंगलों में सबकी रखवाली करते हैं कि कोई जंगलों में, फॉरेस्ट में आपने देखा होगा जंगलों में भी फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं, जहाँ पे देखो कोई जंगलों में कुछ क्राइम ना हो जाए, कुछ ऐसा कोई हादसा क्रिएट ना हो जाए, तो वो जंगलों की क्या करते हैं बच्चों, देखभाल करते हैं कि कुछ ऐसे कोई क्रिमिनल्स, कोई थीफ ना आ जाए जो जंगलों में भी हमला कर सके, बम ब्लास्ट कर सके, जो एनिमल्स की जान को खतरा हो सके। लास्ट स्टूडेंट ने बच्चों किसका कैरेक्टर प्ले किया है, फॉरेस्ट गार्ड का किया है। तो स्टूडेंट 1 को मिलता है वो ऑन द वे में, रास्ते में। स्टूडेंट 1, हेलो आई एम हंटर, आई हाई हंट एनिमल्स, हु आर यू। फिर स्टूडेंट 1 क्या बोलता है, अरे मैं तो हंटर हूँ, मैं एनिमल्स की शिकारी करता हूँ, तुम कौन हो। लास्ट स्टूडेंट में जो कैरेक्टर बच्चों किसने प्ले किया है, लास्ट स्टूडेंट ने किसका रोल प्ले किया है, फॉरेस्ट गार्ड का। आई एम अ फॉरेस्ट गार्ड, आई एम अ फॉरेस्ट गार्ड, आई कैच हंटर्स एंड आई एंड पुट देम इन अ जेल। बच्चों देखो हमने देखा होगा कि किसी भी एनिमल्स को मारना अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है, इट्स अ बैड हैबिट कि हमें एनिमल्स को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम एनिमल्स को मारेंगे तो बुरी बात है ना। तो ये वो फिर लास्ट स्टूडेंट जिसने फॉरेस्ट गार्ड का कैरेक्टर प्ले किया है, उसने क्या बोलता है कि मैं फॉरेस्ट गार्ड हूँ और मैं यहाँ पे जंगलों की देखभाल करता हूँ, रखवाली करता हूँ कि जंगलों में कोई, फॉरेस्ट में ऐसा कोई काम ना हो जिससे एनिमल्स को तकलीफ हो सके, वो जंगलों की देखभाल करता है कि फॉरेस्ट में कुछ क्राइम ना हो सके। मैं हंटर्स को पकड़ता हूँ और उनको, आई पुट देम इन अ जेल, और उनको जेल में डालता हूँ। तो स्टूडेंट 1 ट्राइज टू रन वे, ये ऐसे ये वर्ड सुनता है जो स्टूडेंट 1 जो शिकारी बना है, ऐसे सुनते ही वो भागने लगता है कि अरे अभी जो फॉरेस्ट ऑफिसर है ये मुझे पकड़ लेगा, मुझे जेल में डाल देगा। जैसे हमारे एरिया में हमें कौन रहता है बच्चे, हमारे क्रिमिनल्स और ये जो थीव्स रहते हैं उनको कौन पकड़ता है, हु कैचेस, पुलिसमैन, पुलिस अंकल, जो क्राइम करते हैं, जो चोरी करते हैं उनको पुलिस अंकल पकड़ के लेके जाते हैं ना। लास्ट स्टूडेंट खाफ यू, फिर लास्ट स्टूडेंट जो बना रहता है बच्चों, जिसने फॉरेस्ट गार्ड का प्ले किया है, रोल प्ले किया है, तो वो किसको पकड़ लेता है बच्चों, उस हंटर शिकारी को पकड़ लेता है कि इसको पकड़ लेता है कि तुम यहाँ पे जो फॉरेस्ट है इसमें यहाँ पे हंटिंग करना, हंटिंग हम इस रूल के खिलाफ है, जंगलों में आपको हंटिंग नहीं करना है, हमें एनिमल्स को किल नहीं करना चाहिए बच्चों, वो क्योंकि दे आर एनिमल्स, वो उनकी अपनी ज़िंदगी है, वो अपनी लाइफ सारी कहाँ जगह गुजारते हैं, जंगलों में गुजारते हैं, तो हमें हमें किसी एनिमल्स को किल नहीं करना चाहिए। तो जो फॉरेस्ट ऑफिसर रहते हैं जो बच्चों जंगलों में, वो जंगलों में सबकी फॉरेस्ट जो जंगलों की देखभाल करते हैं, वहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर को, फॉरेस्ट गार्ड को रखा जाता है कि जंगलों में कोई क्राइम ना हो सके और कुछ हमला ना हो सके, कोई इंसिडेंट क्रिएट ना हो सके जिससे हमारे एनिमल्स को तकलीफ ना हो सके, कोई ट्रबल में ना आ सके। फिर जो लास्ट स्टूडेंट बच्चे आप देख सकते हैं जो फॉरेस्ट गार्ड का रोल प्ले किया था, उसने हंटर को पकड़ लिया और उसको क्या कहाँ पे डाल दिया, ही पुट देम इन अ ही पुट हिम इन अ जेल, ही कैच हंटर देन ही पुट हिम इन अ जेल। तो बच्चों आपने देखा कैसे इस स्किट में डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट ने रोल प्ले किया था, स्टूडेंट 1 ने हंटर बना था, स्टूडेंट 1 आप देख सकते हो वो हंटर का रोल प्ले किया था, स्टूडेंट 2 डियर बना था और स्टूडेंट 3
लायन का रोल प्ले किया था, और स्टूडेंट फोर आप देख सकते हो बच्चों टाइगर का रोल प्ले किया था, और लास्ट में जो स्टूडेंट लास्ट स्टूडेंट है उसने फॉरेस्ट गार्ड का रोल प्ले किया था। इस तरह स्क्रिप्ट में डिफरेंट्स कैरेक्टर को रखे गए और डिफरेंट कैरेक्टर ने अपना रोल अच्छे से अदा किया है। तो बच्चों आप टेलीविज़न पे बहुत सारे शो देखते होंगे, तो देखो जिसको हम सीरियल बोलते हैं, ड्रामा बोलते हैं, प्रोग्राम शो बोलते हैं, तो लेकिन वो भी एक स्किट के बेस पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, डिफरेंट कैरेक्टर दिया जाता है, कोई भी बेस पे बनाया जाता है, स्टोरी पे बनाया जाता है, किंग और क्वीन के पर बनाया जाता है, अलादीन जैस्मिन के पर बनाया जाता है, और मैजिशियन शो बनाया जाता है, स्पाइडरमैन सुपरमैन ऐसे बहुत से शो आते हैं जिन पे डिफरेंट कैरेक्टर लोगों को, बहुत सारे लोग होते हैं, गर्ल्स और बॉयज और मैन वुमेन और ऐसे ओल्ड वुमेन भी होते हैं जिनको डिफरेंट कैरेक्टर देते हैं रोल प्ले करने के लिए, ताकि हम इस शो को और जो स्किट को अच्छे से इंजॉय कर सकें। हम मूवीज़ भी देखते हैं, मूवीज़ भी हमने देखी होगी ऐसे एक्शन मूवीज़, तो देखो उसमें भी बहुत जो हीरो हीरोइंस रहते हैं उनको भी डिफरेंट कैरेक्टर देते हैं प्ले करने के लिए, ताकि हम अच्छे से स्टोरीज और मूवी का मज़ा ले सकें।